हेलो फ्रेंड्स, हम आज चार लोगों के लिए मैंगो जूस निकालने जा रहे हैं। हमारे पास इतने आम हैं, इसमें थोड़ी सी चीनी लगी है, जो अंदाज से आप जितना मीठा पसंद है आपको उतना डाल सकते हैं। सजाने के लिए थोड़ा सा हम लेंगे बादाम लेंगे और दो इलायची डालेंगे, जो स्वाद को थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है, अब हम इसको कट करके जूस निकालेंगे। सभी आमों को छील करके कट कर लिया है, इसका पल्प निकाल लिया है। अब मैं शक्कर को इस जार में डालूंगी, ठीक है। इस मैंगो के पल्प को भी इसमें डाल करके पीस लूंगी, पीस करके इसका जूस मैं निकाल दूंगी। लिया, ये मेरे पास ज्यादा आम था इसलिए मैंने इसमें ना वाटर डाला है ना मिल्क डाला है। अब मैंने आम के जूस को जूस बना लिया है और इसमें मैंने चीनी के साथ छोटी इलायची डाल करके मिक्सर जार में इसको पीसा है और पीस करके इसको जूस निकाल लिया है। अगर आपको पास कम मैंगो है तो उसमें आप मिल्क और वाटर ऐड कर सकते हैं, अपने क्वांटिटी के अनुसार उसमें दूध डाल दीजिए या पानी डाल दीजिए और बढ़ा सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा मैंगो था तो इसलिए मैंने इसको गाढ़ा ही रखा है और इसको पीस लिया है। अब सजाने के लिए मैंने इसमें बादाम को कट किया हुआ है और मैंने मैंगो जूस को ग्लास में डाल दिया है। अब ऊपर से इसको सजाने के लिए बादाम मैंने डाला है। आप देखिए, मैंगो जूस तैयार हो गया है, अब बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, एक आम है तो आप उसमें दो लोगों के लिए भी मिल्क डाल करके तैयार कर सकते हैं। और देखिए, देखने में कितना अच्छा है तो पीने में कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.